Good morning, children. We will learn today the first chapter of our EVS book, Living and Non-Living Things. अपनी अपनी बुक का पहला चैप्टर खोलिए, हाथ में पेंसिल लीजिए. We will underline the difficult words of this chapter. इस चैप्टर में हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज अराउंड अस, हमारे आसपास क्या है. What are natural and man-made things? Natural और man-made things में क्या difference है? What are living and non-living things? Living things और non-living things क्या होते हैं? How living things differ from non-living things? Living things और non-living things एक दूसरे से कैसे अलग हैं? उन दोनों में क्या क्या differences हैं? ये भी हम देखेंगे. यहाँ देखिए fill-ups हैं, ये इसको blank को भरना है. तो ये किसकी पिक्चर बनी हुई है? ये ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं. तो इसमें हम भर सकते हैं HUMAN, ह्यूमन. ये क्या है? तो ये प्लांट्स हैं, बहुत सारे पौधे हैं. तो PLANTS, प्लांट्स. और ये क्या है? तो जानवर, एनिमल्स हैं. ANIMALS. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर चैप्टर. देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं. इन द क्लास रूम वी हैव फ्रेंड्स, टीचर्स, बोर्ड्स, चेयर्स, बैग्स एसेट्रा. जब हम क्लास रूम में जाते हैं तो हमारे आसपास फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, टीचर्स होती हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, चेयर, बैग, ये सारी चीज़ें होती हैं. और घर में क्या कौन होते हैं? एट होम वी हैव पेरेंट्स, बेड्स, टेबल्स, टीवीज एसेट्रा. हमारे घर में हमारे माता पिता, दादा दादी, बेड है, टेबल है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ये सारी चीज़ें हैं. और अगर हम किसी गार्डन में चले जाते हैं, बगीचे में, तो वहाँ हम लोग क्या देखते हैं? प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, ग्रासेस, बटरफ्लाइज एसेट्रा. और आसमान में क्या देखते हैं? इन द स्काई देयर आर क्लाउड्स, बर्ड्स, एरोप्लेन्स एसेट्रा. ये सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं. अब इन सारी चीज़ों को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड ऑल थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. पहली कैटेगरी है मैन मेड थिंग्स, पहली कैटेगरी हो गई. और दूसरी कैटेगरी हो गई नेचुरल थिंग्स. तो मैनमेड थिंग्स क्या होती हैं? जो इंसान जिन चीज़ों को बनाता है. द थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैनमेड थिंग्स, सच एज बिल्डिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर, व्हीकल्स, रोड, दीज आर ऑल मैनमेड थिंग्स. एंड द थिंग्स विच नेचर प्रोवाइडर्स, जो नेचर हम लोग को देता है सामान, जो इंसान नहीं बना सकता है, हमें नेचर प्रोवाइड करता है, वो सारी थिंग्स हैं नेचुरल थिंग्स. द थिंग्स मेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल थिंग. जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैन, हिल्स, रिवर्स, क्लाउड्स, ये सारी नेचुरल थिंग्स हैं. तो हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल थिंग एंड दूसरा है मैनमेड थिंग. नाउ टर्न योर पेज. नाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें क्या डिफरेंस है? कैसे हम ये दोनों को अलग अलग कर सकते हैं? क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है? तो लिविंग थिंग क्या होता है? थिंग्स ऑल्सो डिफर इन वन और मोर वेज. सम थिंग्स हैव लाइफ, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. तो जिसमें जीवन है, जान है, वो हो गई लिविंग थिंग्स. अदर्स डू नॉट हैव लाइफ, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. और जिसमें जान नहीं है, वो हो गई नॉन लिविंग थिंग्स. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग. ये सारी लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि इनमें जीवन है, ये हिल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं. तो ये सारी हो गई लिविंग थिंग्स.
एंड लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मेनी वेज. जो लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं एक दूसरे से बहुत सारे वेज में डिफर करते हैं. तो इसमें आप अंडरलाइन करिए ह्यूमन बीइंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स. दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड्स, यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स. नाउ सी, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग का क्या होगा कि उसको जीने के लिए खाना चाहिए और पानी चाहिए. लिविंग थिंग्स कैनॉट लिव विदाउट फूड. वो लोग खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकती. एक दिन अगर आपको मम्मी खाना नहीं देगी तो आप इरिटेट होंगे, आप भूख से परेशान हो जाएंगे. फूड गिव्स देम एनर्जी टू वर्क. जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में काम करने के लिए एनर्जी आती है. दे नीड फूड टू ग्रो एज वेल. और हम उसी से हमारा विकास होता है, हम बड़े होते हैं, हमें ताकत आती है. यू ईट फूड डेली. हम डेली खाना खाते हैं, 3 times इन अ डे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. सपोज यू आर हंग्री एंड डू नॉट गेट एनी फूड, हाउ वुड यू फील? यू वुड स्टार्ट क्राइंग. अगर आपको भूख लगी हुई है और मम्मी आपको अगर खाना नहीं दे रही है या लेट हो रही है खाना बनाने में, तो आप क्या करते हैं, आप रोने लगते हैं कि हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है. इसलिए हम लोग खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो हम खाना खाते हैं वो हमें या तो प्लांट से मिलता है और या फिर एनिमल्स से. प्लांट से हमें सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलते हैं और एनिमल्स से हमें एग, मीट, मिल्क, ये सारा कुछ खाने के लिए मिलता है. एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड. जिस तरीके से हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, उसी तरीके से एनिमल्स को भी जिंदा रहने के लिए दे नीड फूड, खाना चाहिए. लेकिन वो लोग, उनकी मम्मी खाना नहीं बनाती है. दे रोम अराउंड इन सर्च ऑफ फूड. वो इधर उधर घूम घूम के अपना खाना इकट्ठा करते हैं और खाते हैं. दे टू गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. उनको भी जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वो घास खा लेते हैं, वो प्लांट से ले लेते हैं, और जो कार्निवोर्स होते हैं वो दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं. प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड. अब ह्यूमन बींग्स भी खाना खाते हैं, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी खाते हैं, तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग है, इसलिए उन्हें भी जीव जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए. लेकिन वो कैसे खाना बनाते हैं? दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सन, एयर एंड वाटर. वो लोग सूर्य की रोशनी, सनलाइट, हवा, उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर, ये तीनों की हेल्प से वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. बिसाइड्स फूड, लिविंग थिंग्स कैनॉट स्टे अलाइव विदाउट वाटर ऑल्सो. सिर्फ खाना ही नहीं, लिविंग बींग्स को जीवन जीने के लिए पानी भी चाहिए. बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको ना पानी चाहिए और ना खाना. जैसे टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, कभी उसको खाते हुए देखा है आपने? नेवर. दे डू नॉट ईट और ड्रिंक वाटर. अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बींग्स की क्या होती है? लिविंग थिंग्स ब्रीथ. वो लोग सांस ले सकते हैं. हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं. थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग अपने नोज़ और माउथ को कवर कर दें अपने हाथ से, तो हम लोग को घबराहट होने लगेगी. कवर योर नोज़ एंड माउथ विथ योर हैंड. हाउ लॉन्ग कैन यू डू इट? कितनी देर तक आप ऐसे रह सकते हैं? नॉट वेरी लॉन्ग. ज़्यादा देर तक नहीं, हमें घबराहट होने लगेगी. आफ्टर सम टाइम यू विल फील अनईजी. क्यों? इट हैपन्स बिकॉज यू डोंट गेट एयर टू ब्रीथ. क्योंकि हमें सांस लेने के लिए हवा नहीं मिल पा रही है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. इसलिए कहते हैं कि लिविंग थिंग्स जितनी हैं उनको जिंदा रहने के लिए उनको एयर चाहिए, ब्रीथ करने के लिए. नाउ टर्न योर पेज. मोस्ट एनिमल्स ब्रीद थ्रू देयर नोज. ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो अपनी नाक से सांस लेते हैं. सम एनिमल्स ब्रीद थ्रू द टाइनी होल्स इन देयर बॉडी. जो एनिमल्स होते हैं, खासकर इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उससे वो सांस ले सकते हैं. एयर इनसाइड जाती है और बाहर
गंदी हवा बाहर आती है। और फिश कैसे सांस लेती है? फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, उनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं गिल्स। और प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टाइनी पोर्स इन देयर लीव्स, छोटे छोटे छेद होते हैं उनकी लीव्स के ऊपर, जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं, और उसी से वो गैस को एक्सचेंज करते हैं, सांस लेते हैं, दे ब्रीथ। अब यहाँ एक एक्टिविटी है, यहाँ दिखा रहे हैं टेक अ पॉटेड प्लांट, एक गमले में एक प्लांट उगा हुआ है। अब उसके ऊपर पुट अ जार ओवर इट, अगर हम उसके ऊपर एक उसको कवर कर दें किसी जार से, किसी पतीले से या किसी बड़े डब्बे से, देन आफ्टर सम डेज द प्लांट विल डाई, तो वो पौधा कुछ दिनों के बाद बिल्कुल मर जाएगा, मुरझा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ना सनलाइट मिल रही है, ना सांस लेने के लिए हवा मिल रही है, इसलिए वो जिंदा नहीं रहेगा। दिस प्रूव्स, इससे पता चलता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे नीड एयर, वाटर, सनलाइट, एवरीथिंग टू ग्रो। ओके, इसलिए प्लांट्स नीड एयर टू लिव, बिना एयर के वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ब्रीथ, वो तो सांस लेते ही नहीं है। अंडरलाइन द वर्ड्स ब्रीथ, प्रूव्ड, गिल्स, होल्स, पोर्स। ओके, फाइंड आउट व्हाट स्टोमेटा आर एंड व्हाट इज देयर यूज। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा, दीज आर द टाइनी पोर्स इन द लीव्स, लीव्स के नीचे की साइड में ये टाइनी पोर्स होते हैं। एंड व्हाट इज देयर यूज? दे हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ, सांस लेने में वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो, जो लिविंग थिंग्स होंगे उनका साइज बढ़ेगा। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विथ टाइम, समय के साथ सब लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। डू यू रिमेंबर हाउ स्मॉल यू वर अ फ्यू ईयर्स बैक, आप पहले एक छोटे बेबी थे, फिर थोड़े बड़े हुए और थोड़े दिनों के बाद आप एक एडल्ट बन जाएंगे, एक जवान बॉय या गर्ल, यंग मैन और वुमेन यू विल ग्रो इनटू, यू विल फर्दर ग्रो इनटू एन एडल्ट। जैसे एक काऊ जो है वो पहले काफ होती है, जो काऊ का बच्चा होता है उसको हम काफ बोलते हैं, फिर वो टाइम के साथ काऊ बन जाती है। अ स्मॉल प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री, छोटा पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है। हैव यू एवर सीन योर पेंसिल और बुक ग्रो, क्या कभी आपने अपनी पेंसिल या अपनी बुक को ग्रो करते हुए देखा है? नहीं, उनका साइज वही रह जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, वो कभी भी बढ़ते नहीं हैं। द बैम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, ये एक फैक्ट है, सच्चाई है कि बैम्बू का जो पौधा होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, वो एक दिन में 1 मीटर तक बढ़ सकता है। इट कैन ग्रो अप टू 1 मीटर इन 1 डे। सो फॉर टूडे वी विल स्टॉप हियर एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट, बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है चैप्टर का, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।